नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य गर्ग, आप देख रहे हैं इन खबर। माफिया और बाद में राजनेता बने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम को गुरुवार 13 अप्रैल को यूपी पुलिस की एसटीआरएफ ने झांसी में हुए एक इनकाउंटर में मार गिराया। ये दोनों आरोपी 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे, जिसमें यूपी पुलिस के दो सिपाही भी शहीद हुए थे। इस इनकाउंटर के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारत में इनकाउंटर के लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, और देश में इसको लेकर मानव अधिकारों के प्रति निगाह रखने वाली संध्या एचआरसी और भारत के सर्वोत्तम न्यायालय के पुलिस को क्या दिशा निर्देश हैं। भारत में कानून व्यवस्था की किताब भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी या फिर भारत के संविधान में कहीं भी इनकाउंटर का शब्द या परिस्थितियों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पुलिस को देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी वजह से राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में चुनौती हो सकती है, अपनी अभिरक्षा यानी हिरासत में लेकर उस पर लगाए गए आरोपों की जाँच करने तक अपनी अभिरक्षा में रखने का अधिकार है। ऐसे समय में कई बार पुलिस जब किसी अपराध की जांच के लिए वह किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेती है या लेने में प्रयास करती है, तो अदालत अपराधी कई बार पुलिस के सामने से समर्पण करने से इनकार कर देती है। ऐसे में पुलिस को उसके साथ बल प्रयोग करना पड़ता है। कानून आयोग यानी लॉ कमीशन ने ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल किए गए बल प्रयोग के लिए इनकाउंटर का शब्द प्रयोग करते हैं। कानूनी भाषा के मुताबिक जब कोई अपराधी पुलिस से के साथ बल प्रयोग करता है या करने का प्रयास करता है, तो ऐसे समय में जब पुलिस अपनी आत्मरक्षा में या फिर अपराधी को काबू करने के लिए जवाबी बल प्रयोग करती है, तो ऐसी स्थिति को ही इनकाउंटर कहा जाता है। हालांकि भारत में इनकाउंटर के लिए कोई भी कानून नहीं है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए देश की सर्वोत्तम अदालत ने इनकाउंटर को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इनकाउंटर को लेकर क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली गाइडलाइन कहती है, जब भी पुलिस को कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो ऐसे भी एक्शन लेने से पहले पुलिस इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दर्ज कराना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है तो कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक FIR दर्ज की जानी चाहिए। FIR दर्ज हो जाने के बाद हुई घटना की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। घटना की जांच CID या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जानी चाहिए। जांच में अपराधी अपराध और घटना का पूरा विवरण लिखित में विस्तार से उपलब्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी परिस्थिति में हुए पुलिस इनकाउंटर की स्वतंत्र मजिस्ट्रेट जाँच बहुत जरूरी है। घटना के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के साथ साझा की जानी बहुत जरूरी है। इनकाउंटर के बाद घटना की पूरी रिपोर्ट विस्तार से घटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली स्थानीय कोर्ट के साथ लिखित में साझा की जानी चाहिए। तो इन्हीं तरहों के तमाम जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए इन खबर।